जयपुर के नखरालो राजस्थान रिजॉर्ट में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर हिंदुस्तान स्काउट गाइड की राज्य मुख्य आयुक्त और शासन सचिव शिक्षा मंजू राजपाल ने विशेष रूप से शिरकत की। अधिवेशन में शिक्षा विभाग के सहायक शासन सचिव रमेश्वर जाट और डिप्टी डायरेक्टर देवलता भी मौजूद रही। अधिवेशन में हिंदुस्तान स्काउट गाइड के वर्ष भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और आगामी वर्ष की कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। अधिवेशन में स्काउट गाइड के सदस्यों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। अधिवेशन में राज्य मुख्य आयुक्त मंजू राजपाल ने संगठन को बधाई देते हुए राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में मुख्य भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंजू राजपाल ने कहा कि वे अपने परिवार में आई हैं और इस कार्यक्रम में आकर अभिभूत हैं। कार्यक्रम में वर्ष भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्काउट गाइड और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है वे बधाई के पात्र हैं और बाकी लोग प्रयास करें कि वे भी अगले वर्ष इस कड़ी में शामिल हो सकें। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक पाली, बीकानेर, अजमेर और चूरू ने भी हिस्सा लिया। इस अधिवेशन के सफलतापूर्वक समापन में इतने महानुभावों का योगदान रहा है। मैंने ये बताया संस्कार होगा तो आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से देश पद्धति के पथ पे आगे बढ़ेगा। स्वच्छता के बारे में भी बताया और स्वास्थ्य के बारे में भी बताया, सुसंस्कार हमें दिए। और मंजू जी राजपाल श्री पारिक जी का भी अभिनंदन करें, श्री लक्ष्मीकांत जी पारिक।
पहुंच चुके हैं। उनका एक बड़ा ही सुंदर आज का ये वार्षिक अधिवेशन है जो कि ये था कि हमने पिछले वर्ष भर में क्या किया, उसमें जिन्होंने अच्छा किया उनका सम्मान हम करें, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं उनको हम सामने रख कर चलें। तो मैं तो खुद हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के मुख्य आयुक्त होने के नाते, मेरे पद के नाते, मैं आप सब की टीम का हिस्सा हूँ। तो मेरे पार्ट पर घोषणा करना अपेक्षित नहीं है, मेरे पार्ट पर आगे की कार्य योजना बनाना और उस कार्य योजना के साथ हमारा जो भी समूह हमारे साथ जुड़ा है युवाओं का, उनको हम कैसे प्रेरित करें और उस लक्ष्य की दिशा में कैसे लेकर जाएं, उसके लिए उनको उत्साहित करना, ऊर्जावान करना और उनके साथ साथ खुद में वो उत्साह और ऊर्जा देखना। बाकी विभाग के तौर पर शिक्षा विभाग को इसमें रखा ही इस नाते गया है कि हम स्काउट गाइड के माध्यम से जो एक सेवा का जज्बा बच्चों में लाना है, उसमें विभाग के तौर पर सरकारी भूमिका क्या हो सकती है उसको भी हम साथ सुनिश्चित करते हुए चलें, तो वो सहयोग हम सबका रहेगा। समाज के अंदर इसकी क्या अभी जो प्रासंगिकता है? सेवा हमेशा से ही एक ऐसा जज्बा है जिसकी आवश्यकता को हम ये नहीं कह सकते कि ये समय के साथ जुड़ी हुई है, इसकी प्रासंगिकता कल थी, आज नहीं है या कल नहीं होगी। ये एक ऐसा संस्कार है जो एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम सब में होना चाहिए। अगर हम सभी अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति एक उत्साह भावना से चलना चाहते हैं, तो उसमें हमें अपने साथियों को, समाज को उस सेवा भावना के साथ जोड़ने की आवश्यकता है और सबकी शुरुआत सबसे पहले खुद से होनी चाहिए। तो स्काउट एंड गाइड के नाते हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इसके साथ जुड़े उन सब में कैसे सेवा की भावना हो और उनको देखकर इस भावना का प्रसार पूरे समाज में हो। ठीक है, थैंक यू मैम। अंतिम सवाल मैडम, आपका परिवार ही हिंदुस्तान स्काउट गाइड, तो कैसा लगा आपको यहाँ कर? अपने परिवार में बैठकर हमेशा एक खुशी की भावना होती है और जब परिवार एक साथ जुड़ जाए, पूरे राज्य भर का परिवार एक साथ आकर एकजुट होकर बैठे, तो निश्चित तौर पर ये बहुत खुशी की भावना, मैं बहुत अभिभूत महसूस कर रही हूँ और बहुत उत्साह के साथ हम सब ने, बच्चों ने हम सबका स्वागत किया है, तो मैं खुद को भी उत्साहित महसूस कर रही हूँ।